सो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स साइड में देख सकते हैं वीडियो को, तो इसी वीडियो के ऊपर आज की मेरी टॉपिक है। तो आप इस वीडियो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी 3D इफेक्ट में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेनी है। और चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम ना वेस्ट करते हैं, मैं फ़ोन की होम स्क्रीन। सो गाइस, जैसा कि हमने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा और इसे ओपन कर लिया है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा, न्यू प्रोजेक्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। और कुछ आपके सामने ऐसा भी स्क्रीन शो होगा जैसे कि वीडियो और फोटो का ऑप्शन होगा, तो आपको क्या करना है, फोटो पर क्लिक करना है और वहाँ से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देन आपको क्या करना है कि फॉर्मेट पे क्लिक करना है और 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट करनी है। सो वन बाय वन करके आपको अपने इस फोटो को एडजस्ट करना है 9:16 की रेशियो में। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पे एडजस्ट मैंने कर लिया है। देन क्या करना है कि आप फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है और देन उसके जो टाइमिंग रखना है आपको 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में रखना है। सो गाइस, हमने यहाँ पे कर लिया, टाइमिंग सेट कर दिया है। आपको क्या करना है कि अब इसमें ट्रांजिशन आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो होगा। यहाँ से अपने मर्जी का जो भी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, आप सभी को वन बाय वन ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। सो गाइस, जैसे कि हमारा 50% काम हो चुका है। देन आपको क्या करना है कि ऑडियो पे क्लिक करना है, देन साउंड पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो होगा, जैसे म्यूजिक टाइप का डिस्प्ले शो होगा और वहाँ से अपने म्यूजिक को जो चाहे आपको अच्छा लगे उस म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे काम, हमारा ट्रांजिशन मैंने यूज़ कर दिया काफ़ी अच्छे से। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे आपको कैसे डाउनलोडिंग करना है और किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और देन आपको क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है। देन आपके सामने गूगल का डिस्प्ले ओपन होगा और वहाँ पर आपको सर्च करना है कैपकट लेटेस्ट वर्जन APK डाउनलोड। ओके, देन आपके सामने जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है वेबसाइट पे, एंड देन आपको लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है, देन डाउनलोड। फिर गाइस, हमारे पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक और ऐप डाउनलोडिंग करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उस ऐप को डाउनलोड करने। तो आपके सामने कुछ प्ले स्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर गाइस, आपको उस पर VPN सर्च करना है। सो फर्स्ट जो VPN होगा उस पर सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन ओपन करके आप उसे कनेक्ट कर देना है। फिर आपको बैक अपने ऐप में वापस आ जाना है और फर्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है। सो आपको फर्स्ट फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद कुछ आप स्लाइड करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टाइल टाइप का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन उसे कंफर्म कर देना है। सो आपके सामने देख सकते हैं गाइस, 3D जूम लिखा है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक जनरेटिंग स्टार्ट हो जाएगा 3D जूम के लिए। सो गाइस, हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। देन आपको सेकेंड फोटो पे सेलेक्ट करना है एंड देन 3D जूम पे क्लिक करके उस पर भी जनरेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह वन बाय वन करके आपको सभी फोटो को जनरेटिंग कर देना है 3D जूम में। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पर 3D जूम का जो हमारा था इफेक्ट वहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए प्ले करके दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफी अमेजिंग लग रही है वीडियो। तो अब स्टार्टिंग से प्ले करते हैं तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स काफ़ी अमेजिंग है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस ऐप का यूज़ अच्छे से करेंगे और वीडियो का आपने पूरे अंत तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेनी है और लगे बेल आइकन घंटी को दबा देना है। तो यही फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।